हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय पेमेंट चैनल। माय पेमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में, यानी कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक जितने भी शॉर्टकट हैं आज हम उनको प्रैक्टिकली करके सीखेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो शॉर्टकट यूज़ करने से पहले हम एक पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं जिससे हम शॉर्टकट को आसानी से समझ सकें। तो पैराग्राफ टाइप करने का शॉर्टकट हम बता रहे हैं आपको। अगर हम जल्दी से कोई पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल rand, उसके बाद ब्रेकेट, फिर हमें जितना पैराग्राफ चाहिए, अगर एक पैराग्राफ चाहिए तो एक लिखेंगे, दो पैराग्राफ चाहिए तो दो लिखेंगे, और तीन पैराग्राफ चाहिए तो तीन लिखेंगे। फिर एक पैराग्राफ के अंदर हमें जितना सेंटेंस चाहिए, 10 चाहिए तो 10 लिखेंगे, 15 चाहिए तो 15 लिखेंगे, और 20 चाहिए तो 20 लिखेंगे। मान लीजिए हमें 10 सेंटेंस चाहिए। अब हम ब्रेकेट बंद करते हैं और इसको इंटर कर देते हैं। अभी देखिए हमारा तीन पैराग्राफ आ गया। अब इसकी हम साइज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि आपको तीनों पैराग्राफ अलग अलग दिखे। ये देखिए तीनों पैराग्राफ आपको दिख रहा है, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हमारा जितना भी टेक्स्ट रहेगा पूरे पेज में, जितना भी लिखा हुआ है, अगर आपका कई पेज बना हुआ है तो सारा पेज का जो भी टेक्स्ट रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जितना भी रहेगा सारा, कंट्रोल ए, ये देखिए हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर दूसरा शॉर्टकट आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए हम ये एक लाइन ले लेते हैं, ये पूरा हमें बोल्ड करना है। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी वाला बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए बोल्ड हो गया। अगर फिर हमें सही करना है कंट्रोल बी से, इसको हम सही कर देंगे। फिर बी के बाद आता है सी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी। कंट्रोल सी से हम क्या करेंगे, कॉपी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। उसके बाद जब हमें पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल के साथ बी, कीबोर्ड में देखेंगे तो सी और बी दोनों साथ में होता है, तो कंट्रोल सी से हमारा कॉपी होता है, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। चलिए उसके बाद आता है डी। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से क्या होगा, हमारा फॉन्ट ऑप्शन आएगा, तो कंट्रोल के साथ डी करते हैं। ये देखिए अब ये ऑप्शन खुल रहा है। ये देखिए फॉन्ट ऑप्शन आ गया। अब इसमें हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से स्टिक थ्रो, डबल स्टिक थ्रो, यानी सिंगल लाइन, डबल लाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब इसके ये सारी चीज़ें हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी से हमारा फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आता है। इसके अलावा कंट्रोल डी से और क्या होता है, कंट्रोल डी से जो होता है, जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ही सेम हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट, यानी इसी ऑब्जेक्ट का एक और कॉपी बन जाएगी बहुत ही आसानी से, बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। तो कंट्रोल डी से हमारा दो ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बन जाएगा और एक दूसरा जो है हमारे जो टेक्स्ट है उसके लिए फॉन्ट ऑप्शन खुल जाएगा। डी के बाद आता है ई। ई से क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, चाहे एक लाइन है, एक वर्ड है, तो कंट्रोल ई से क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा। अब लेफ्ट में करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एल। ई के बाद आता है एफ। एफ से क्या होगा, एफ से हमारा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आता है, जिससे हम किसी भी टेक्स्ट, कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया THE दा, अब ये जहाँ जहाँ लिखा रहेगा हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ लिखा रहेगा फाइंड करके बताएगा। तो कंट्रोल एफ से क्या आता है, फाइंड। एफ के बाद आता है जी। कंट्रोल जी से क्या आता है, कंट्रोल जी से हमारा आता है गो टू ऑप्शन। गो टू से हम पेज पे जा सकते हैं, सेक्शन पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं। जैसे मान लिया हम कई पेज बना देते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले व्यू में इसका व्यू तो हमने प्रिंट आउट किया है, इसमें यहाँ पे हम थंबनेल कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पेज है और हमें यहाँ भी एक पेज दिख रहा है, ये देखिए। तो कई पेज बनाना होगा तो इसमें कॉपी पेस्ट करके हम कई पेज बना ले रहे हैं, ये देखिए। अब हम चौथे पेज में, मान लिया हमें पहले पेज में जाना है, कंट्रोल जी करेंगे, गो टू, यहाँ पेज नंबर एक लिखेंगे और यहाँ पे गो टू कर देंगे तो हम डायरेक्ट पेज नंबर
एक में देखिए पहुंच गए। फिर पेज नंबर दो में जाना है हमें, तो यहाँ पेज नंबर दो लिखेंगे, गो टू करेंगे और पेज नंबर दो में पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद आता है जैसे मान लिया हमें पेज नंबर चार में जाना है, पेज नंबर चार लिखना है, गो टू करना है पेज नंबर चार। फिर वन में जाना, वन लिखा, गो टू किया पेज नंबर वन। इसके बाद जी के बाद आता है एच। एच से क्या होता है, रिप्लेस, कंट्रोल एच। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा टेक्स्ट था जैसे नॉर्मल था वैसे इसको कर लेते हैं, यानी एक पेज कर लेते हैं और यहाँ पे थंबनेल हटा लेते हैं और यहाँ पे जूम कर लेते हैं। अब देखिए कंट्रोल के साथ एच, इससे क्या होगा, रिप्लेस करना। जैसे मान लिया जहाँ जहाँ पे द लिखा है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्स वाई जेड लिखना है, एक्स वाई जेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस आल पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जहाँ जहाँ पे भी द लिखा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड। अब फिर हमें सही करना है तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एच करेंगे और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखेंगे और यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, टी एच ई द। उसके बाद यहाँ रिप्लेस आल पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम फिर से सही हो जाएगा। अब जी हो गया, एच हो गया, एच के बाद आता है आई। आई के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ आई। आई से क्या हो जाएगा, इटैलिक। जैसे अब सही करना हो गया तो फिर आई, जैसे कंट्रोल बी से हमने बोल्ड बताया था कि सही करना हुआ बी फिर प्रेस कर देंगे, कंट्रोल आई से हमारा क्या हो जाएगा, इटैलिक यानी तिरछा हो जाएगा। ये देखिए फिर कंट्रोल आई प्रेस करेंगे उसके बाद सही हो जाएगा। आई के बाद आता है जी, आई जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लेंगे, जैसे हमारा ये एक पैराग्राफ है, ये देखिए इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दें। अब ये पैराग्राफ देखिए यहाँ से तो एकदम बराबर दिख रहा है लेफ्ट से, लेकिन राइट से बराबर नहीं दिख रहा है। तो दोनों साइड से अगर हमें बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जे प्रेस करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से एकदम बराबर आ जाएगा, लेफ्ट से भी बराबर आ जाएगा और राइट से भी बराबर हो जाएगा। अगर फिर पहले जैसा करना है कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, एल। अब आई हो गया, जे हो गया, उसके बाद आता है के, आई जे के। के से क्या होता है, हमारा हाइपर लिंक आता है, कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है और यहाँ पे जिस फाइल का हमें लिंक बनाना है, यहाँ पे हमने वर्ड सेलेक्ट कर लिया जिससे हमें लिंक करना है और यहाँ से हम फाइल चूज़ करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये देखिए ब्लू कलर में हो गया। अब यहाँ पे माउस रखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करना है और माउस से क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे यस करना, तुम्हारी जो फाइल रहेगी वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए फाइल ओपन हो रही है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए अब हाइपरलिंक हटाना है तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा हाइपरलिंक जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद आता है जे हो गया, के हो गया, फिर एल आता है। एल तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जैसे ई से सेंटर होता है वैसे एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखिए तीन होता है, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। ये देखिए लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, तो एल से क्या होता है, हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। तो इसके लिए पहले आपको सेंटर या राइट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंट्रोल एल करेंगे तो आपका अलाइनमेंट जो है लेफ्ट हो जाएगा। एल के बाद आता है एम, तो एम से क्या होता है, हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। अब ये देखिए हमारा पैराग्राफ आगे बढ़ रहा है, यानी इंटेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज इंटेंट। कंट्रोल एम से क्या होगा, इंक्रीज इंटेंट। अब इसको सही करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्यों प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी इंडेंट लगा रहेगा यानी इंक्रीज़ हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा यानी क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोल एम से हमारा क्या होगा, इंडेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये देखिए और कंट्रोल क्यू से सही। तो जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन के उसके बाद एम के बाद आता है एन। तो एन से क्या होता है, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आता है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करने से हमारा न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से इसको बंद कर देते हैं। एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एन के बाद आता है ओ। ओ से हमारा क्या होता है, फाइल ओपन होती है। अब यहाँ पे हमें जो फाइल खोलना है उस फाइल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, इंटर। उससे क्या होगा, हमारी जो फाइल रहेगी वो ओपन हो जाएगी, या यहाँ से हम कोई भी फाइल चूज़ करके उसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ओपन कर देंगे ये,
ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल ओ से क्या होगा, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ओके बाद आता है पी, पी से क्या होता है, हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर में जाके उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, पेपर की साइज हो गया, कलर हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट करके ओके कर देंगे, और यहाँ से चाहे इंटर कर दें चाहे ओके कर दें तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। पी से प्रिंट हो गया, यम से इंडेंटेशन इंक्रीज हो गया, एन से न्यू हो गया, एम एन ओ पी, उसके बाद आता है क्यू। क्यू से क्या होता है, अभी हमने आपको एम बताया था, एम से हमारा क्या होता है, इंटेंट इंक्रीज होता है, तो इसको डिक्रीज कहाँ से करेंगे, यानी सही कहाँ से करेंगे, कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल क्यू से क्या होगा, हमारा जो इंडेंट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्यू के बाद आर, आर से क्या होगा, हमारा जो इंडेंट ये टेक्स्ट जो है, ये जो लेफ्ट में है, इसको हम राइट में करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, आर प्रेस करेंगे। आर से क्या होगा, हमारा इंडेंट जो है वो टेक्स्ट जो है वो राइट साइड में हो जाएगा। फिर लेफ्ट में करना है कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, एल से लेफ्ट में होगा, ई से सेंटर में होगा, और आर से राइट में होगा। अब इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल एल प्रेस करना है। आर के बाद आता है यस, यस तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, कंट्रोल के साथ यस से क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो सेव होता है। तो यहाँ पे हमें फाइल नेम देना है जिस नाम से हमें सेव करना है, उसके बाद हमें इंटर कर देना, तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यस के बाद आता है टी, टी तो टी से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। टी से होता है हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है आपकी जो पहली लाइन है उसको छोड़ के बाकी नीचे की लाइन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, यानी इंक्रीज होती जाएगी, यानी स्पेस बढ़ता जाएगा, इसी को कहा जाता है हैंगिंग, कंट्रोल टी से। अब इसको भी सही करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करने से हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है टी के बाद आता है यू, तो यू से हमारा क्या होता है, अंडरलाइन होता है, जिससे क्या होगा, इसके नीचे लाइन आ जाएगी। अब कंट्रोल यू फिर प्रेस करना है, इससे हमारा क्या होगा, अंडरलाइन क्लियर हो जाएगा। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, और वी से क्या होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। यू हो गया, वी हो गया, उसके बाद आता है यू वी डब्ल्यू। डब्ल्यू से क्या होता है, हमारी जो फाइल होती है वो क्लोज हो जाती है। जैसे हमने कोई फाइल ओपन कर ली, ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ओ। यहाँ से हम कोई भी फाइल ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ये फाइल ले ली, अब ये फाइल हमें क्लोज़ करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे, तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। डब्ल्यू के बाद आता है एक्स वाई जेड, एक्स से हमारा क्या होता है, कट, इसको सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, कंट्रोल वी कर देना है। ये देखिए कट के साथ पेस्ट यूज होता है, ठीक। उसके बाद आता है वाई, जैसे हमने डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा, फिर दोबारा लाना रहेगा, क्या कर देंगे, कंट्रोल वाई, यानी कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू, फिर डिलीट किया, कंट्रोल जेड किया वापस, और कंट्रोल वाई किया रीडू, ठीक है। तो फ्रेंड आज के हम वीडियो में हमने सीखा कंट्रोल जेड ए से लेके कंट्रोल जेड तक सारे शॉर्टकट के बारे में। अब इसी तरीके की और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम कीबोर्ड के और सारे शॉर्टकट के बारे में जानेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या कोई शॉर्टकट समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।